गाइस जब पोको F1 को 2018 में लॉन्च किया गया था तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को काफ़ी हिलाकर रख दिया था। अब आपको पोको F2 में फिर से ऐसा ही कमाल देखने को मिलने वाले हैं और यह स्मार्टफोन आपको 2020 में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वैसे इस स्मार्टफोन का कई सारे लीक्स और रूमर्स काफ़ी टाइम पहले से आ रहा है, लेकिन फाइनली इस स्मार्टफोन का ट्रेडमार्क एप्लीकेबल फाइल कर दिया है, यानी कि स्मार्टफोन आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही कई लीक्स और रूमर्स के माने तो यह स्मार्टफोन पोको F1 से काफ़ी अपग्रेड देखने को मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को कर दीजिए लाइक, साथ ही कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले दे पाऊँ। अब तक के लीक्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलेगा 6.3 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि विथ वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, और साथ ही आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% तक कम देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर तो आपको बैक में ग्लास पैनल का बैक देखने को मिलेगा जो कि विथ ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है, और फ्रंट और बैक दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अब बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरा को लेकर तो आपको बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेंगे जिसका मेन सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का दिया जाएगा, और ये सेंसर आपको सोनी IMX686 सेंसर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक डे सेंसर, और वहीं आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा जैसा कि आपको पोको F1 में भी देखने को मिला था। अब गाइस बात करते हैं इस डिवाइस के बैटरी को लेकर तो इस डिवाइस को पावर देने के लिए आपको 4500 mAh का बिग बैटरी देखने को मिलेगा जो कि 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही इस डिवाइस के प्रोसेसर को लेकर बात किया जाए तो आपको इस बार मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट देखने को मिलेगा जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.96 GHz है, और ये चिपसेट आपको 7 nm की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है जो कि GPU Arduino 640 के साथ आता है। ये चिपसेट आपको काफ़ी पावरफुल देखने को मिलता है। साथ ही इस डिवाइस के स्टोरेज को लेकर बात किया जाए तो ये डिवाइस आपको 6GB प्लस 128GB बेस वेरिएंट के साथ देखने को मिलेंगे, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा। साथ ही ये डिवाइस आपको कनेक्टिविटी के लिए 3.5 का हो जाएगा, USB Type-C का पोर्ट, NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। फाइनली गाइस बात करते हैं इसके लॉन्च और प्राइस को लेकर, इसका एक्सपेक्टेड प्राइस आपको 20 से 23 हज़ार के बीच ही देखने को मिलेगा, और ये डिवाइस आपको मार्च के लास्ट वीक से पहले देखने को मिल सकता है। तो गाइस यही था पोको F2 का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को कर दीजिए लाइक, साथ ही कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।